हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि सही लिपस्टिक का सिलेक्शन कैसे करें। ये बहुत बड़ी समस्या होती है सभी गर्ल्स में कि वो किस तरह से सही लिपस्टिक का चयन करें, स्पेशली जो लोग न्यूली मैरिड होते हैं या फिर जिनकी 2-4-6 महीने में शादी होने वाली हो। वो लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि उनपे कौन सा कलर शूट करेगा, कौन सा कलर अच्छा लगेगा या उन्हें किस तरह के कलर लेने चाहिए। और वो कुछ भी मार्केट जाती है तो मार्केट में उनको बोलते हैं ये लीजिए आप पे अच्छा लगेगा, ये लीजिए आप पे अच्छा लगेगा। उनको तो बेचना होता है तो इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। बट सही चयन जो है ना, सही सिलेक्शन जो है, हम लोगों को खुद चेक करना चाहिए कि हमारे फेस पे कौन सी लिपस्टिक अच्छी लग रही है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है और कई बार इस चक्कर में गर्ल्स जो है ना बहुत कंफ्यूज हो जाती है और वो राइट कलर का सिलेक्शन नहीं कर पाती है और वो कुछ भी डार्क कलर में ले लेती है, क्योंकि सबने उनको कहा होता है, चाहे उनकी फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, कि कुछ डार्क कलर में लेना। लड़कियां शादी के बाद ना डार्क कलर लगाती है तो अच्छी लगती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी लड़कियों पर डार्क कलर अच्छे लगे, उनका फेस अच्छा लगे उसे। ये हमें खुद से मतलब चूज करना चाहिए कि किस तरीके से हम कलर चूज करें कि वो हम पे अच्छा लगे। इस चक्कर में कई बार तो क्या होता है ना कि गर्ल्स ले तो लेती है लेकिन वो जोकर बन जाती है, क्योंकि जो लिपस्टिक होती है ना वो हमारे फेस में, अगर मैं अगर बात करूं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मेकअप का, कि वो मेकअप को कंप्लीट करने का काम करती है। या फिर जो लोग मेकअप नहीं करते हैं और वो न्यूली मैरिड है, अगर वो लिपस्टिक भी लगा लेना तो उनका फेस ऐसा लगता है यार लिपस्टिक बिंदी लगा के कि उन्होंने खूब मेकअप किया है। इसलिए लिपस्टिक जो है ना वो गाइस सबसे अच्छी होनी चाहिए, जो उनके सबसे अच्छी का मतलब कि उनके फेस पे वो कलर शूट करना चाहिए, इसलिए बोलेगा। लेकिन पीछे से आपका मजा क्या होता है ना गाइस, जो लिपस्टिक होती है ना वो मेकअप को कंप्लीट करने का काम करती है, और अगर वो ही सही ना हो तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या होगा। स्पेशली गर्मियों में जिन लोगों की शादी हो रही है उनको थोड़ा ज्यादा इस बात का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि गर्मी की वजह से ना मेकअप ज्यादा देर फेस पर टिकता नहीं है और फिर मेकअप करने का मन भी नहीं होता है। तो पूरी कमांड ना गाइस लिपस्टिक ने संभाली होती है, कि थोड़ा लिपस्टिक लगा लिया, थोड़ा बिंदी लगा लिया और हो गया। और ये बहुत बड़ा चैलेंज जो होता है जो ऑफिस गोइंग गर्ल होती है उन लोगों के लिए स्पेशली, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप बेशक न्यूली मैरिड हो, बट आप वो कलर जो घर पे लगाते हैं, डेली यूज पे लगाते हैं, डार्क कलर है या रेड कलर है, कुछ भी इस तरह के कलर आप लगाते हैं तो वो आपके फेस पे अच्छे तो लगते हैं, बट वो हमेशा आप ऑफिस में लगा के जाओ तो ये भी मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता। थोड़ा सा ऑफिस गोइंग गर्ल्स जो होती है ना वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है इस मामले में, कि वो उनकी शादी हुई है और अब उनको लिपस्टिक लगानी है, तो वो डार्क कलर बेशक उनके फेस पे अच्छा लगता हो बट वो ऑफिस उस कलर को लगा के नहीं जा सकती, उसको थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। तो उसको थोड़े से मिक्स एंड मैच, हमारे मतलब मेकअप बॉक्स में ना कुछ इस तरह की लिपस्टिक होनी चाहिए जो ऑफिस गोइंग के लिए थोड़ा अच्छा लगे, या फिर डेली भी अगर आप घर पे लगा रहे तो आप बोर हो जाएंगे डार्क कलर लगा के। कई लोग बोलते हैं न्यूली मैरिड है रेड कलर लो बहुत अच्छा लगेगा। गाइस कई बार होता है कि जो सामने वाले पे जो रेड कलर जो अच्छा लग रहा है, जरूरी नहीं कि वो रेड कलर आप पे भी अच्छा लगे। आप मार्केट में जाएंगे तो आपको रेड कलर की कई वेरायटी मिलेगी, रेड वाइन होगा, रेड डार्क होगा, रेड रोजेस होगा। तो इसमें कई बार क्या होता है कलर ना थोड़ा थोड़ा सा मतलब वो फ्लक्चुएट करता है, और कौन सा कलर आप पे अच्छा लग रहा है उसका चयन आपको करना चाहिए। तो आज मैं तरीका, मेरे पास कुछ कलेक्शन है लिपस्टिक के, मैं ज्यादा मेकअप तो नहीं करती लेकिन थोड़ी बहुत मेरे पास लिपस्टिक के कलेक्शन है, जो बहुत ही मतलब चुने हुए लिपस्टिक है जो मैं कभी कहीं आने जाने में या घर पे या पेरेंट टीचर मीटिंग में गई हूँ, मुझे लगानी है तो मैं लगा के जाती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह के कलर आपको भी मतलब अपने मेकअप बॉक्स में इंक्लूड कर लेना चाहिए, स्पेशली तब जब आप ऑफिस भी जाते हैं, आपकी शादी भी अभी नई नई हुई है और आपको हर चीज बैलेंस करनी है। आपको दिखाती हूँ, मेरे पास कुछ लिपस्टिक है, ये देखिए, ये कुछ लिपस्टिक है मेरे पास अभी फिलहाल। और क्या होता है ना गाइस, सही तरीका क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, ये तरीका जो होता है वो गलत होता है। लिपस्टिक कभी भी ना आपको आपके फेस पे कौन सा कलर जचेगा क्या है वो यहां से नहीं, आप हमेशा इधर अपने इस पार्ट पे लिपस्टिक को ट्राई कीजिएगा तो आपको समझने आएगा कि आप पे कौन सा कलर शूट कर रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे मेरे पास एक रेड कलर की लिपस्टिक है,
जो कि न्यूली मैरिड जो होगी उनपे बहुत अच्छी शूट करेगी, और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्शन मतलब थोड़ा डार्क भी हो चलेगा, फेयर कॉम्प्लेक्शन है उनपे भी बहुत अच्छा लगता है ये कलर। तो ये लिपस्टिक जो है ये रेड कलर की है, एक्चुअली ये रेड भी नहीं, मैरी मी रेड करके कलर है। देखिए आप हमेशा ना जब भी लिपस्टिक लेने जाए तो आप अपने इस स्किन पे आप ट्राई कीजिएगा, तो आपको सही टेक्सचर समझने आएगा लिपस्टिक का कि आपके फेस पे कौन सी लिपस्टिक ज्यादा अच्छी लगेगी। ये देखिए ये ऑसम कलर है एकदम, स्पेशली न्यूली मैरिड जो हो ना और जो ज्यादा एकदम ही मतलब उस तरह के कलर पसंद आ गए तो ये कलर जो है ना ये सब पे शूट होता ही है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसको अगर थोड़ा सा डार्क करना होना, ये देखिए फिर। और कई बार क्या होता है कि मन नहीं करता है कि हमेशा मतलब इस तरह की डार्क लिपस्टिक लगाए, तो एक मेरे पास लैक्मी का एक ब्रांड है जो कि रोजी करके इसका वो है नंबर, तो ये देखिए क्या ये थोड़ा सा लाइट है, ये उन लोगों के लिए जो लोग थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल नहीं होते ज्यादा डार्क लिपस्टिक लगाने में, और ये कलर बहुत अच्छा कलर है। ये अभी आपको इसमें ऐसे दिख रहा होगा, ये ऑफिस गोइंग के लिए भी मतलब बहुत अच्छा है, जो लोग ऑफिस जाते हैं न्यूली मैरिड है और जो हमेशा इस तरह के डार्क कलर ना पसंद करना चाहे तो इस तरह के कलर यूज कर सकते हैं। और हमेशा ना आप इस टेक्सचर पे कलर को जो है वो यूज किया कीजिए। मैं मेरे पास एक ही दिखाऊं, मेरे बेटे ने ये लिपस्टिक जो है वो खराब कर दी है, बट इसका कलर कुछ ऐसा है, ये एकदम डार्क में है, डार्क कॉफी टाइप में। और फिर एक कलर मेरे पास है, ये आपके पर्स में तो हमेशा होना ही चाहिए, ये ड्यूल लिपस्टिक है, इसमें एक तरफ लाइट शेड है और एक तरफ डार्क शेड है, ये मैंने बहुत यूज कर लिया इसलिए थोड़ा सा घिसा हुआ है यहाँ से, ये देखिए। तो ये अगर मैं इसका लाइट शेड की बात करूं तो ये देखिए ये बहुत नेचुरल सा कलर है, मतलब ये ज्यादा डार्क भी नहीं लगेगा, और ये आप जो न्यूली मैरिड है वो ऑफिस भी इसको लगा के जा सकती है। और दूसरा इसी के साइड में दूसरा शेड है वो एकदम लाइट कलर है, पिंकिश सा, ये देखिए। गाइस ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट लिपस्टिक है मेरी। और स्पेशली मेरा ये कलर बहुत फेवरेट है, मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या है इसमें, ये देखिए गाइस ये भी रोज मैडर है, मतलब इसका जो ब्रांड नंबर है वो रोज मैडर है। एक लिपस्टिक जो मेरी बहुत फेवरेट है, इसका तो मैंने पैसा वसूल कर लिया, आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली ये खत्म हो गई है तो मैं ना आपको इसको ब्रश से यूज करके बताती हूँ, ये बहुत अच्छा कलर है बट खत्म हो गया तो मुझे इसे ब्रश से यूज करना चाहिए। आप इसमें से कुछ कलर ना देखिए, ये एंड थर्ड वन इज ये, अभी तीन कलर ना जो न्यूली मैरिड है उनको अपने कलेक्शन में ऐड कर ही लेना चाहिए, चाहे वो फेयर कॉम्प्लेक्शन वाले हो चाहे डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले हो, उन पे ये कलर बहुत शूट करेगा। और आप हमेशा ना लिपस्टिक जब भी आप यहाँ पे मत ट्राई कीजिए, आप लिपस्टिक को इधर ट्राई कीजिएगा तो आपको सही टेक्सचर उसका समझने आएगा। और एक कलर, एक मेरे पास मैट लिपस्टिक है, ये क्या होता है स्पेशल मैट लिपस्टिक है, ये क्या होता है स्पेशली, ये गाइस देखिए ये लिपस्टिक जो है इसका कलर बहुत अच्छा है, मैं आपको ये यहां दिखाती हूँ, ये देखिए एकदम नेचुरल कलर है,